जम्मू संगवारी मला राम राम जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो मैं हूँ मुस्कान और मैं आप मला ये बताया बार आए हूँ कि मैं आप मन बार एक चैनल लेके आया हूँ जेकर नाम है अमृत स्वर। आप मला ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मन जावाओ चैनल ला लाइक करो सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन ला जरूर दबा दे हूँ। राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। दोनों हाथ कहते हैं कि गुमनाम का भी जग में नाम हो जाता है, बांके बिहारी तक पहुंचना आसान हो जाता है, भर जाती है खुशियां उसकी जिंदगी में जिसकी जुबान पर राधा नाम हो जाता है, जिसकी जुबान पर राधा नाम हो जाता है। सबको राधे राधे बोलना है, क्या बोलना है जोर से बोलिए, क्या बोलना है और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के सबके हाथ ऊपर, चलिए राधे 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 मतलब की है, सच्चा साथी केवल भगवान होते हैं, बाकी सब मतलब के निशान होते हैं। तो जो जो भगवान को अपना असली साथी मानता है एक बार हाथ उठा के बताना। हम लोग तो मानते हैं ठाकुर जी को अपना असली साथी, जब असली साथी भगवान को मानता है दिल से हाथ उठाना एक बार ईमानदारी से, क्या बात है। तो मेरे साथ मिलकर कहना क्या मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है।
जीवन काम अनीगा राम हो सिया राम रहे धीर जिंदगी जगत लीला राम हो सिया राम बोलो राधे राधे वेद कहे बोलो राधे राधे हाँ सच कहे बोलो राधे राधे वेद कहे बोलो राधे राधे कन्हैया कोई ना प्यारा लगे कन्हैया कोई ना प्यारा लगे कन्हैया कोई ना प्यारा लगे कन्हैया कोई ना बोलिए श्याम सुंदर सरकार की एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जोर से बोलिए राधे राधे क्या बात है जय जय श्री राम। आइए गोस्वामी जी चौपे में वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण देखत काम अनिका रही धीर दिन के जगली का कहते हैं हे लक्ष्मण जी कामदेव के सेना को देख करके जो धैर्य बने रहते हैं जगत में उनके वीरों में नाम आता है। कामदेव ने अच्छे अच्छों को नाच नचाया है। जब ये कामदेव आया राम जी के पास तो राम जी को तो आसानी से राम जी ने उसको जीत लिया था। जब ठाकुर जी के पास कामदेव आया कृष्ण के पास तो कहता है कामदेव कि अब मुझे कैसे हराओगे तब तो तुम बिना पत्नी के थे तो मुझे हरा दिया अब तो हजारों गोपियां हैं सुंदर सुंदर नारियां हैं और हजारों गोपियों के बीच में मुझे हरा के बताओ तो जानू। अब ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं राम जी सीधे हैं और कृष्ण कैसे थोड़े टेढ़े हैं। कहते हैं आधी रात को पैदा हुए हैं 12 बजे रात को और बुजुर्ग कहते हैं जो बच्चा आधी रात को पैदा होता है ना वो बहुत बड़ा चोर निकलता है। जिसके जिसके घर में बच्चे आधी रात को पैदा हुए हैं सावधान रहना वो चोर निकलते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े चोर हैं। ठाकुर जी ने कहा आ जाओ मैदान में और दोनों के बीच में युद्ध चला। कामदेव ने पूरी शक्ति लगाई पूरा ताकत लगाया लेकिन हजारों हजारों सुंदर गोपियों के बीच में ठाकुर जी ने कामदेव को परास्त किया कामदेव को हराया। बोले एक पत्नी थी जब भी हराया था लेकिन हजारों सुंदरियों के बीच में रहकर काम को हराना आसान बात नहीं है। तो आज भी प्रभु के मन में कोई विकार नहीं आया तो इसी कामदेव का वर्णन हो रहा है। भगवान राम जी को वनवास मिला है। देखिए राम जी के चरित्रों से बहुत कुछ सीख मिलती है। जब राम जी छोटे से थे बच्चे थे सो के उड़ते थे तो क्या करते थे माता पिता के चरणों को छू के प्रणाम करते थे। गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा मातु पिता गुरु नावहि माथा प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठे तो सबसे पहला काम माता पिता के चरणों को छू के प्रणाम करो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं सो के उड़ते हैं और बोलते हैं ना क्या बोलते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। पापा जी दिख जाते हैं तो बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग डैड। डैड मीन्स ही इज नो मोर। डैड का मतलब राम नाम सत्य है और रोज सुबह सुबह बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग डैड गुड मॉर्निंग डैड। और कहते हैं बच्चों की भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं इसलिए लैंग्वेज बदल लो नहीं तो राम नाम सत्य है। गुड मॉर्निंग मॉम। ठाकुर जी यशोदा को मैया कह के बुलाते थे परंपरा से और मैया से धीरे धीरे माँ हुआ माँ से मम्मी हो गया मम्मी से मोम हो गया। पता नहीं मोम कितने बजे पिघलेगा इसका भी ठिकाना नहीं और मोम से आगे भी कुछ हो सकता है। हाँ तो लैंग्वेज बदलने की जरूरत है। राम जी से सीखना है। राम जी छोटे थे तो प्रणाम करते थे प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। और हम लोग सुबह सुबह उठे और चाय नजर नहीं आया तो प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता के फोड़े माथा।
चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सीख लेनी है राम जी से। राम जी बड़े हुए, युवक हुए, जवान, वनवास मिला, किसने दिया? सौतेली माता ने, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे आज्ञा का पालन किया। इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो बड़ों के सामने झुकना सीखिए। देन यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, अपने धर्म का सम्मान करिए।